आरएसए के कार्यकर्ताओं एवं कुलपति के बीच हुई जोरदार बहस। आरएसए के द्वारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली से विश्वविद्यालय के गेट के सामने ही जोरदार बहस हो गई। कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। मालूम हो कि पिछले दिनों आंदोलन हुआ था। संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वासन देकर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसको लेकर आज छात्रों ने कुलपति को मेन गेट पर ही रोक लिया और अपनी बात कहने लगे। छात्रों ने बीसी से कॉलेजों में हो रहे भ्रष्टाचारों पर भी अंकुश लगाने एवं छात्रों के हित में कार्य हो तथा रिजल्ट में भारी गड़बड़ी को जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद बीसी ने कहा कि रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे तुरंत ठीक करने का आदेश जारी कर दिया गया और जो भी कॉलेजों में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है संबंधित कॉलेजों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बाबा कब से हो गया? बाबा पंडित सुने बाबा आप स्पेशल काउंटर लगवाइए, मेरे छात्र लाइन लगवाइए। विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति आप हैं जी। नहीं, तुम्हारे तुम्हारे सर्वोपरि आप सबके सर्वोपरि और यहाँ पे आपको ये अच्छा लग रहा है आप जीत जा रहे हैं और सच जीत जा रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए ये कम से कम इस गरिमा को तो रखते हुए आप बात कीजिए कि किस तरह से आप हमसे चिल्ला सकते हैं, आप हमारे सामने हमारे इस तरह से हम नहीं बोल रहे, हम बता रहे हैं। हम तो यही सर से पूछे कि सर यहाँ जयप्रकाश बाबू के नाम पे विश्वविद्यालय है, क्या हमारी संस्कार इतनी मर गई है कि जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सीढ़ी पे बैठी हैं चार दिन। मैंने क्या बोला बताइए, सभी लोग है ना, क्या मैंने गलत बोला? यूमी से ही काम है, यूमी से ही काम है। आपको सर याद होगा 2019 में हुआ करते थे, यूमी ने बताया पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या चला रहे कुनाल यार, कितना नेतागिरी कर रहा लगभग लिंक विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति आप हैं जी। नहीं, तुम्हारे तुम्हारे परेशानी ये कि एक तो 5 साल में ग्रेजुएशन क्लियर करवाते हैं, ठीक है, और 5 साल बाद ग्रेजुएशन क्लियर करवाने के बाद भी बच्चों का क्लियर नहीं होता, वो दौड़ते ही रहते हैं। क्या पढ़ाते हैं ये लोग? कॉलेज में जाओ, पढ़ाई नहीं होती, दूर से बच्चे आ रहे, कोई साधन नहीं है, क्या करें? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्यूटी सिंह राजपूत है। किस क्लास में? मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप एक चीज देखिए, रिजल्ट में गड़बड़ी की बात आ रही है, ऐसा है कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक कुछ बच्चों में हुआ, उसको दुरुस्त कर लिया गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे छात्र हैं जो कि पास भी हैं लेकिन नंबर उनका 5 है, वही तो बोले टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हुआ, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, इसलिए फॉर्म भरने की तिथि को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है ताकि उनको रेक्टिफाई हो सके। और ये बच्चे जो पार्ट 1 में पास करेंगे वही पार्ट 3 में फॉर्म भरेंगे, तो ऐसे बच्चे बहुत कम है, 1000-1500 से बेसी नहीं है, उस सबको हमारे पूरा सिस्टम रेक्टिफाई कर रही है तमाम चीजों को। लेकिन जो परीक्षा में फेल है, मान लिया 25 में 16 में पास है, 15 आया है, तो एक नंबर से फेल है तो एक नंबर से तो फेल रहेगा भाई। जिन्होंने प्रैक्टिकल लिया, जिन्होंने 15 नंबर दिया, तो हम 16 उसको कांच कर देंगे, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगा ही। 100% रिजल्ट तो सीबीसीएसई की तरह होता नहीं, 99% जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर जो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक जो है
हमारे पास तो अंक पत्र है, तो उससे मिलान करवा रहे हैं समुच्चय को, और हम समझते हैं कि आज से कल तक में सब हो जाएगा। 80% हो चुका है, तो फिर से मार्कशीट जारी करेंगे। हाँ, वो जा रहा है, जा भी रहा है, उसका प्रिंट और प्रिंटर पटना से खरीद के लाए हैं, प्रिंट करवा के दे रहे हैं। देखिए सिस्टम को सुधारने में समय लगता है, अभी मनमानी नहीं चल पा रही है। नगर विभाग के अभी दो कॉलेज के प्रोफेसर को बुलाएंगे, जिन्होंने नंबर में जो बच्चे परीक्षा नहीं दिए तो उसमें उनको लिखना था एबसेंट, नहीं लिखा, इसने उसमें जीरो नंबर बैठा दिया। इसको बुला के बोले तुमने जीरो क्यों बैठाया, बोले इसमें कुछ नहीं लिखा होता, समझे कुछ नहीं लिखा होता तो हम लाइन पाते छोड़ देते उसको ब्लैंक एब्सेंट देता है या ब्लैंक छोड़ देता है तो उसमें जीरो अपने मन से जीरो इज मार्क्स करा के हमरा जीरो मार्क्स यही उसको बोल रहा है सब, उसमें कोई बात नहीं। छात्र व्यवहार अगर छात्र हित में नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमको जो भी सूचना मिलेगी कार्रवाई करने में, जयप्रकाश विश्वविद्यालय पूरे बिहार में नंबर वन पर है, अब तक में तकरीबन आधे दर्जन प्रिंसिपल सस्पेंड हो चुके हैं, एक दर्जन ऑफिसर सस्पेंड हो चुके हैं, आधा दर्जन शिक्षक इधर से हो चुके हैं, एक दर्जन कर्मचारी इधर उधर हो चुके हैं, ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय पूरे बिहार में क्यों किए हैं, उसमें क्या मेरा निहित स्वार्थ है। जरा भी जिनके खिलाफ कंप्लेन आता है त्वरित गति से कार्रवाई हम करते हैं। छात्र अगर लिख के देंगे, कभी कभार होता है क्या कि हमारा जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, इसमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, धार्मिक होते हैं, सांप्रदायिक होते हैं, जातीय होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं, भाषाई होते हैं, बहुत सारा उसमें समीकरण होता है। तो जैसे भी कोई कंप्लेन करता है तो जिस पर कंप्लेन होता है उसको भी एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है, ये नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है। तो अगर ऐसे शिक्षक अगर अच्छा बर्ताव नहीं करते छात्र छात्राओं के साथ तो हम समझते हैं कि वो टॉलरेबल कहीं से नहीं है। हम लोग इसके लिए जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे, कंप्लेन होने पर अभिलंब कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई करेंगे।